मुस्लिम अहमदिया जमात दे बटाला नजदीक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कादियां विखे करवाए जा रहे 127वें सालाना जलसे विच जिथे 23 मुल्कां दे मुस्लिम लोग शिरकत कर रहे हैं, उत्थे ही जलसे दे दूजे दिन विरोधी धिर दे नेता प्रताप बाजवा अते एमएलए तृप्त राजेंद्र बाजवा ने भी शामूलियत की। इस मौके जिथे प्रताप बाजवा अते तृप्त राजेंद्र बाजवा ने मुस्लिम अहमदिया जमात वालों समाजिक तौर ते किए जा रहे कम्मां दी सराहना करते हुए जलसे दी वधाई दिती, उत्थे ही प्रताप बाजवा अते तृप्त राजेंद्र बाजवा ने देश विच दोबारा उठ रही कोरोना दी लहर नूं लैके कहा कि चाइना विच कोरोना जरूर वध्या है, पर हिंदुस्तान दे टॉप दे विज्ञानिक अते डॉक्टरां ने कहा है कि कोरोना दा रूप अजे भारत विच नहीं चलिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र कोरोना नूं लेके जिहड़ा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी वालों चलाई जा रही है, उस नूं देश अंदर वड्डा हुंगारा मिल रहा है, उस नूं रोकना चाहुंदे हन। उन्होंने कहा कि सियासी तौर ते कोरोना नूं फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा केंद्र इस यात्रा विच बंदिश ना बनन, इस यात्रा नूं 26 जनवरी तक लाल चौक तक पहुंचन दे। मीडिया उत्ते सरकार वालों बनाए जा रहे दबाव नूं लेके कहा कि ये सरकार बहरूपीए हन, गैर तजुर्बेदार पार्टी, गैर तजुर्बेदार मुख्यमंत्री अते मंत्री लिया के असी सारिया ने देख लिया कि ये लोग की कर रहे हन। असी इकट्ठे 127वें सालाना जलसा जड़ा जमात दा ओदे विच जिन्ने भी हिंदुस्तान तो या हिंदुस्तान तो बाहरों 30-35 देशों तो साढ़े साथी आए ने, अपने परिवारों नाल आए, सारिया नूं पहले असी सारिया नूं वेलकम कर। दूसरी गल साडे सारिया वास्ते बड़ी माण वाली गल है, असी भी इत्थों ते जम पलना। ये जमात तकरीबन 134 साल पहले मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इत्थों शुरू की सी। अज सारी दुनिया दे विच 200 देश तो वध इन्हां दे अपने उत्थे सारी जगह ते अपने इन्हां दे दफ्तर बने ने, ये ओपरेट करदे ने। सोसाइटी दे विच इन्हां दा बहुत वधिया नाँ है, पोलीटिकली भी सोशली भी। इन्होंने जिस देश बैठे ने उतों के बड़े पीसफुल सिटीजन, इन्होंने अपना बहुत वधिया ना उन्होंने देशों च बनाया। देखो देखो मेरी एक बेनती सुन लो, मैं इन पोलिटाइज नहीं करना चाहता। चाइना दे विच जरूर वध्या, हिंदुस्तान के अज जे टॉप डॉक्टर्स ने, टॉप साइंटिस्ट ने, उन्होंने मिसिज कंग जे ओवरलुक कर रहे हिंदुस्तान, उन्होंने भी गल कही है वेरियंट हिंदुस्तान अजे चलिया नहीं। बट मैं समझना कि भारत जोड़ो जिहड़ा बहुत वड्डा जिसनों एक सारे देश नूं जोड़न दा एक पोलिटिकल तौर उत्ते, सियासी तौर उत्ते, पंजाब सारे हिंदुस्तान च आपसी भाईचारे का जिहड़ा एक मैसेज है राहुल गांधी जी का, उन्होंने जिहड़ा बहुत वड्डा हुंगारा हरियाणे विच, दिल्ली विच, ते पंजाब च, ते जम्मू कश्मीर च मिलन दा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा उन्हां दा ए उस चीज़ नूं ए रोकना चाहुंदे ने। एक मैं समझना कि पोलिटिकली ए प्लॉय कीता गया। मेरी भी गुजारिश उन्हां नूं होएगी कि असी हर जिहड़ी गवर्नमेंट दी रिस्ट्रिक्शन है या कोई गाइडलाइनस है उन्हूं असी अडहर करांगे। जे NTPCR चाहिए या किसी नूं टीका लगन की लोड़ है या मास्क लगन की रोक है, वो असी पूरियां करांगे, नाम ही गवर्नमेंट नूं देवांगे, इंजैक्ट भी सारिआं नूं करावांगे। बट कृपा करके इस दे विच बंदिश ना बन, ये सारी जिहड़ी है यात्रा जिहड़ी देश नूं इकट्ठे करन दी, उहनूं पीसफुली 26 जनवरी नूं लाल चौंक तक पहुँचन देन। ये मेरा संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट नूं है कि इहदे विच वाधा ना बणीए। देखो गल इस तरह, पंजाब सरकार तो असी पहली तुहानू कहिंदे सी इह ते बहरूपी है, इह कोई पोलिटिकल लीडर है नहीं, ना इन्हां नूं कोई तजर्बा ही है। गैर तजर्बेकार पार्टी नूं लिया के, गैर तजर्बेकार मुख्यमंत्री नूं लिया के, गैर तजर्बेकार मंत्रियों नूं लिया के, आपां वेख ही लिया हो की रहा। इन्हां नूं इन्हां दी इह कोशिश इह समझदे ने कि जिहड़े एड्स असी दे दिया ने अखबारों या टेलीविजन, ये जरिए असी शायद मीडिया नू बाय आउट कर लिया कि खरीद ही लिया, उन्होंने कॉन्शियस ही खरीद ली है। जेड़ा असी पहले भी कहिंदे सी ते मीडिया ने भुलेखा कढ़ दिता कि असी बकाऊ नहीं है, ठीक है एड्स की सारिआं नू लोड़ है, पर जे तुसीं समझो कि साडी जुबान ते ते साडे साडे पेन दे उत्ते तुसीं कंट्रोल कर लोगे, जो ग्राउंड रियलिटीज ने पंजाब दीआं उह ते असी रिपोर्ट करांगे। मैं असी अपने वालों दोनों वालों इनू कंडेम करने, ये जड़ी सोच है बड़ी ड्रकोनियन सोच,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਰੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।